तो कैसा है दोस्तों, वो साल था 1347 का, जब चाइना से एक जहाज मुसाफिरों को लेकर यूरोप जा रहा था। लेकिन इस सफर के बीच रास्ते ही धीरे धीरे करके सभी मुसाफिरों को एक संक्रमण हो जाता है। अब दूसरी तरफ यूरोप के बंदरगाह पर लोग बड़ी संख्या में इस शिप का स्वागत करने के लिए आए थे। लेकिन जब यह जहाज बंदरगाह पर आया और काफी टाइम तक कोई इंसान इसमें से बाहर नहीं निकला, तो फिर बाहर खड़े हुए लोगों ने अंदर जाके देखा और ये सारे के सारे चौंक गए, क्योंकि दोस्तों उस जहाज में आया हुआ एक भी इंसान जिंदा नहीं था। दरअसल ये लोग प्लेग वायरस की वजह से मारे जा चुके थे, क्योंकि चीन से आते टाइम जहाज में कुछ प्लेग के सिम्टम्स वाले चूहे घुस गए थे, जिससे ये संक्रमण हुआ था। और अब इन जिंदा लोगों को भी कहां पता था कि ये बीमारी आने वाले कुछ ही टाइम में आधे से ज्यादा यूरोपियन लोगों को मार डालेगी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से टिल डेट पूरी दुनिया भर में तकरीबन 200 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं, और इसे दुनिया के इतिहास का सबसे खतरनाक डिजीज कहा जाता है, दी प्लेग वायरस। दरअसल 14वीं शताब्दी के दौरान बुबोनिक प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ प्लेग भी कहा जाता था, उसने अकेले ने यूरोप के एक तिहाई यानी कि तकरीबन 25 मिलियन लोगों को मार डाला, क्योंकि ये एक चेपी वायरस था जो कि इंसानों में बहुत जल्दी से फैलने लगा। इनफैक्ट यूरोप के इस प्लेग के संक्रमण के बाद 1352 से लेकर 18वीं शताब्दी तक ये पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक देश में फैल चुका था, जिसमें मेनली तीन तरीकों के प्लेग उस टाइम पर पाए जाते थे। अब सबसे पहले तो आम बुबोनिक यानी कि ब्लैक डेथ प्लेग, जिसमें पूरी बॉडी में अचानक से तेज बुखार आना, फिर पेट दर्द, सिर दर्द, ये इसके स्टार्टिंग सिम्टम्स थे। फिर दूसरा था सेप्टिसेमिक प्लेग, ये आमतौर पर अलग अलग तरीकों के बैक्टीरिया की वजह से इंसानों में पाया जाता था। और फिर प्लेग का तीसरा टाइप था फुल म्योनिक न्यूमोनिक प्लेग, जो कि इंसानों में बहुत ही रेयर था। इनफैक्ट इसके ज्यादातर सिम्टम्स एनिमल्स में दिखते थे। वैसे हमारे भारत में भी 1898 से लेकर 1918 तक तकरीबन 12 मिलियन लोगों की मौत प्लेग की वजह से हो चुकी थी, और हिस्टोरिकल पूरी दुनिया भर में इसकी दो वैक्सीन भी बनाई गई थी। लेकिन दोस्तों, इस प्लेग वायरस के सिम्टम्स एक इंसान से दूसरे इंसान में इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाते थे कि वैक्सीन लेने से पहले ही वो इंसान मरा हुआ मिलता था, और शायद इसी वजह से टिल डेट कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक थी ये प्लेग की बीमारी। और आज भी पूरी दुनिया भर के देश, स्पेशली यूरोप और उनके लोग, प्लेग वायरस के उस दर्दनाक इतिहास को कभी नहीं भुला पाएंगे। तो इस पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन, मिलते हैं अगली 2 मिनट्स में। गुड बाय।